हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। और यहाँ मैं मूंग दाल को भिगो के रखी थी रात भर के लिए, और अच्छे से ये भीग गई है, फूल गई है। और यहाँ मैं एक कटोरी मूंग दाल ली थी, तो आज मैं बनाने वाली हूँ बड़ा और इन अरहर बनाने वाली हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और तो मैं इसको अच्छे से धो करके साफ करके ले ली हूँ। और ये छिलके वाली दाल थी ना, तो इसलिए अच्छे से इसका जो छिलका है, कोई कोई तो साबुत भी है, तो वही नहीं निकल पाया है। और बाकी मैं अच्छे से इसको साफ कर ली हूँ। और इसी कटोरी से मैं मूंग दाल ली थी, एक कटोरी मूंग दाल तो में फ्रेंड्स, मैं इसको मैं इसमें मिक्सर में डाल के अच्छे से इसको पीस ले रही हूँ, इसका एक पेस्ट तैयार कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं जब पीस रही थी ना, तो ये बहुत सूख गया था, दाल में बिल्कुल मतलब पानी नहीं था, तो ये अच्छे से पिसा ही नहीं रहा था। मैंने सोचा शायद पीस जाए, लेकिन नहीं पिसा रहा था। तो फिर लगभग इसमें 2 चम्मच मैं पानी डाली, तब जाके इसका पेस्ट बना अच्छे से। जैसे मुझे मतलब बड़ा के लिए पेस्ट चाहिए, वैसे नहीं बन रहा था। ये थोड़ा थोड़ा खड़ा खड़ा ही दाल थी, तो मैं इसमें थोड़ा लगभग 2 चम्मच पानी डाली, तब जाके इसको पीसी। तब ये ना अच्छे से इसका पेस्ट बन गया। और यहाँ देखिए, एकदम बिल्कुल पीस गया है, एकदम जैसे मुझे चाहिए बड़ा के लिए दाल, वैसे ही पिसा तो गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं पूरा यहाँ दाल मैं पीस ली पूरी दाल हूँ। पीस ली हूँ, और पीसने के बाद दाल थोड़ी सी गीली हो गई है, क्योंकि मुझे थोड़ा इसमें पानी डालना पड़ा, तब जाके ये इसका बेटर बना है, नहीं तो नहीं पिसा रहा था उसमें मिक्सर में। और सिलबट्टा यहाँ था नहीं, तो सिलबट्टे में कैसे पीसूँ, तो मुझे मिक्सर में ही पीसना पड़ा। और मिक्सर में थोड़ा सा 2 2 चम्मच पानी डालना पड़ा मुझे, तो थोड़ा सा गीला हो गया है। तो कोई बात नहीं, ट्राई करूँगी, बन जाएगा, थोड़ा छोटा बनेगा और क्या। और मैं इस बार बड़ा अपने मतलब जैसे मेरे यहाँ मायके में बड़ा बनता है, मैं उस तरह का बड़ा बनाऊंगी। और इन अरहर में मेरे ससुराल में जैसे बनता है, वैसा इन अरहर बनाऊंगी। क्योंकि चलिए, आप लोग वीडियो में बने रहिए, तब आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे यहाँ मतलब मिर्जापुर साइड में इन अरहर कैसे बनाया जाता है। और मैं जब पहली बार शादी करके गई तो मेरी जो दादी सास थी, वो बोली कढ़ी बड़ा ये सब बनाने के लिए, तो वहाँ बहुत बड़ा 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 बनाया जाता था। और मेरे मायके में ना थोड़ा छोटा छोटा बनाया जाता था। बहुत चीजें बहुत अलग हैं वहाँ की। और जैसे इन अरहर वहाँ थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा मतलब उड़द की जो दाल होती है, उसी की कढ़ी भी बनाई जाएगी उसके साथ, और उसी का जो इन अरहर है वो भी बनेगा। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, मेरे यहाँ थोड़ा सा इसमें जो दाल है, इसमें चना दाल भी डालते हैं, चना की दाल भी डालेंगे और थोड़ा उड़द का दाल डालेंगे। जैसे चना की दाल हो गई आधी कटोरी, तो इसमें 1 कटोरी उड़द की डालेंगे। उड़द की दाल ज़्यादा और चने की दाल ज़्यादा डालते हैं। तो मैं पहली बारी वहाँ बनाई थी, तो मुझे पता नहीं था कैसे बनाया जाता है। अब वहाँ की चीज़ें बहुत अलग हैं, तो मैं बना रही थी, तो मेरी जो दादी थी वो बोलेंगी कैसे ये बना रही है, तो मैंने ये बनाना नहीं आता क्या, तो मैं कुछ बोली नहीं। पहले पहले बारी थी, मैं जब दूसरी बार गई थी या तीसरी बार, तब की बात है। तो फिर मैं ऐसे दादी बताई, तो फिर मैं दादी की जैसे बता रही थी वैसे ही बना रही थी मैं, क्योंकि इन अरहर बड़ा तो मैं बनाई थी, लेकिन वही साइज थोड़ा डिफरेंट था, बड़ा छोटा। और इन अरहर मैं उस तरह का पहली बार बनाई थी, तो मुझे पता नहीं था, मुझे देख के ना बहुत हंसी छूट रही थी, क्योंकि जैसे गाय भैंस का जीभ होता है ना, मैं वही बोलती हूँ कि गाय भैंस का जीभ बनता है यहाँ पे इन अरहर, मेरे यहाँ ऐसा नहीं बनता है। और यहाँ मैं जो बेटर था उसको अच्छे से मिक्स करके, मसाला वसाला डाल के मिक्स करके रख दी हूँ। और ये मैं इधर पानी भी गर्म कर ली हूँ बड़ा बनाने के लिए, क्योंकि बड़ा तो बनाने के लिए जो फ्रेंड्स, यहाँ पानी मैं होता है कढ़ाई में उसको तेल डाल गर्म दी हूँ, करके गर्म उसमें होने हल्दी के नमक लिए डाल के तेल मेरा अच्छे तब से उसमें गर्म हो बड़ा जाएगा, रखते तो हैं। फिर मैं बड़ा बनाऊंगी। क्योंकि बड़े में और तो यहाँ डालेंगे तेल नमक मुझे नहीं, नहीं तो अच्छा गीला गर्म और गीला चाहिए, हो जाएगा, जैसे बन ना नहीं तो पाएगा, कम ना तो इसीलिए पानी ज्यादा, में ही हाई डालना फ्लेम पे होता है। तेल और नहीं मेरे गरम हस्बैंड के करना है। बहुत नहीं ज्यादा, तो एकदम जैसे जब बड़ा डालूंगी ना तो ऊपर से तो जल्दी पक जाएगा, लेकिन अंदर कच्चा ही रह जाएगा। तो मुझे मीडियम पे ही तेल को गर्म करना है और मीडियम पे ही पकाना है, ना तो हाई फ्लेम पे ना तो एकदम धीमे पे। और यहाँ मैं थोड़ा सा बेटर जो है ना वो डाल के अच्छे से देख रही हूँ कि तेल मेरा हो गया है कि नहीं हो गया है।
और यहाँ इसको छोटी छोटी मैं इसका लोइया बनाऊंगी, और छोटी छोटी ही बड़ा मैं बनाऊंगी क्योंकि ज्यादा बड़ा बना नहीं बन पाएगा। थोड़ा ये जो मसाला है मेरा वो गीला भी हो गया है पानी की वजह से, और तो मैं छोटा छोटा ही बड़ा बनाऊंगी क्योंकि फिर बन नहीं पाएगा उतना बड़ा, मुझसे बड़ा नहीं बन पाता है, हाथ से फट जाता है डालते टाइम पे। और यहाँ जब बड़ा तो बनाते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ यहाँ मैं बीच में सारा छेद करते बड़ा हैं और ऐसे ही बग... बना लूंगी, हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के उसमें, उसके बाद ये जो दाल है उसको लेके अच्छे से बनाना है, छोटा छोटा ही बनाना है और ज्यादा बड़ा नहीं बन पाता। और जैसे मेरे यहाँ मेरे ससुराल में क्या होता है ना, वैसे ही बड़ा 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 बनाएंगे और पूरा बना बड़ा, जैसे जब खाना परोसेंगे तो पूरा बड़ा रखते हैं, एक जैसे रोटी रखा जाता है वैसे ही। और मेरे मायके में क्या होता है, बड़े चाहे छोटा बनाए चाहे बड़ा बनाए, लेकिन उसको तोड़ के तब रखते हैं, कहते हैं कि ये अच्छा नहीं होता है और तोड़ के ही बड़ा रखना चाहिए। और यहाँ जब मैं वहाँ गई थी पहली बार बनाई थी तो मुझे बड़ा अजीब लगा था कि क्योंकि हमारे यहाँ तोड़ के रखा जाता है और वहाँ ऐसे ही रखा जाता है, सीधा सीधा पूरा बड़ा, मतलब ऐसे सही गई पूरा ही रख देंगे, तोड़ेंगे नहीं उसको। और यहाँ मैं डाल दी हूँ, अच्छे से इसको पक रहा है और इसको उलटते पलटते हुए पकाऊंगी अच्छे से। और ये जब पक जाएगा ना तो हल्का ब्राउन हो जाएगा ऊपर की तरफ, और इसमें जो बबल्स आ रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि मेरा बड़ा बन के तैयार हो गया है। और यहाँ बहुत अच्छे से डालना है क्योंकि हाथ में ये चिपक जाता है, हाथ से नहीं निकलता, और तेल में भी गिरेगा तो छप से ऊपर से। एक बार तो मैं बच ही गई कि तेल से जलते जलते पूरा स्लैब पे तेल गिरा, ये कहिए मेरे ऊपर नहीं गिरा, नहीं तो बहुत ही जल जाती, बड़ा बस खाने के लिए रहता। और यहाँ मेरा बड़ा बन गया है, एक बार का जो मैं डाली थी वो बन पक गया है, तो उसको मैं निकाल ले रही हूँ। और निकालने के तुरंत बाद ही इसे गरम पानी भी गरम है हल्का, और जो बड़ा भी गरम है तो उसको तुरंत ही पानी में डालना है, नहीं तो ये नरम नहीं होगा, इसके अंदर पानी नहीं जाएगा तो ये कड़ा का कड़ा ही रह जाएगा। इसके लिए अच्छे से नरम होने के लिए इसको पानी में तुरंत ही डालना होता है, जैसे आप रसगुल्ला बनाते हैं जलेबी बनाते हैं उसको तुरंत ही सीढ़ा में डालना होता है, वैसे इसको भी तुरंत पानी में डालना होता है, नहीं तो पानी ये इसके अंदर नहीं जाएगा तो अच्छे से नहीं बन पाएगा बड़ा जो हमारा है, फूला फूला नहीं होगा। और पानी में डालने के बाद एकदम, तब अभी तो पतला है ना और फूल जाएगा, पानी जब अब्सॉर्ब कर लेता है तो ये और फूल जाता है और बहुत खाने में बहुत टेस्टी लगता है। पहले तो मैं नहीं खाती थी, जब मैं शादी के बहुत सालों तक नहीं खाई, पहले मैं खाती ही नहीं थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद क्या करती, जब कभी घर में बनता, कढ़ी बनती और ये सब बनता, बड़ा ही ना रहा तो अपने लिए क्या बनाऊं यही सोचती, तो फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाते खाते अब आदत पड़ गया है, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता। और मेरे हस्बैंड के तो भैया वही मिले तो सुबह शाम खाएंगे, मतलब जिस दिन बनेगा एक बार नाश्ते में लेंगे, उनको सूखा बड़ा भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सूखा बड़ा नहीं बना रही हूँ क्योंकि दही नहीं है, दही थोड़ी सी ही थी तो मैं उसमें उसको कढ़ी में डालने के लिए रखी हूँ, तो सूखा बड़ा नहीं बना रही हूँ मैं, पानी वाला ही बड़ा बस बनाऊंगी। उनको सूखा भी बड़ा अच्छा लगता है और पानी वाला बड़ा इन अरहर ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं उनको। और यहाँ मैं जब एक ये वाला बड़ा डाली ना तो निकाल रही थी, दूसरा वाला जो पक गया था उसको निकाल रही थी तो ये पूरा थोड़ा सा फैल गया, फट गया वो निकालते टाइम पे। Thank you.
तो ये देखिए मेरा लगभग 7-8 बड़ा मैं बना के तैयार की हूँ इतने में, और इसी में अब मैं चल रही हूँ इन अरहर बनाऊंगी। तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे मिर्जापुर साइड में इन अरहर कैसे बनता है। यहाँ तो मैं छोटा छोटा इन अरहर भी बना रही हूँ, और लेकिन हमारे ससुराल में वहाँ थोड़ा सा इससे बड़ा बनता है, और उड़द का इसे एकदम चिकना चिकना हो जाता है। देखिए इसको तुरंत तेल में डालना है, और जैसे एक तरफ पलट के दूसरी तरफ फिर तुरंत ही निकाल लेना है। इसको एकदम डीप फ्राई नहीं करना है, एकदम मतलब करकरा नहीं करना है। हल्का सा ऊपर का जो गीलापन है ना वो सूख जाए, बस हो गया, उतना ही पकाना है इसको, ज्यादा पकाया भी नहीं जाता है। और कोई कोई तो वहाँ पानी में भी पकाते हैं, लेकिन मेरी जो दादी सास थी वो उसको तेल में ही बनवाती थी, क्योंकि बोलती थी कि पता नहीं तेल पानी में नहीं बना पाएंगी पाओगी तुम लोग, इसीलिए तेल में ही बनवाती थी। और तुरंत ही इसको तेल से निकालना होता है, ज्यादा इसको पकाना नहीं होता है, जैसे बड़ा पकाते हैं वैसे नहीं पकाना है। जैसे डालना हो और तुरंत उसके बाद मुश्किल से 5 5 सेकेंड एक तरफ, 5 सेकेंड एक तरफ, उसके बाद तुरंत ही निकाल लेना है। तो ज्यादा देर तक पकाना नहीं होता है। और लगभग मैं 6 इनरहर बनाऊंगी, क्योंकि हम लोग 3-4 लोग खाने के लिए हैं, तो 6 इनरहर तो बहुत काफी है। और जो इसके बाद जो ये बचेगा, दाल बचेगी, उसी से मैं इसकी कढ़ी भी बनाऊंगी। इन अरहर की कढ़ी इसके दाल से ही बनेगी, बेसन की कढ़ी नहीं बनाना है। जो इन अरहर का जो मैं पीसी हूँ दाल ना, वो इसी से ही बनाना है। और मेरे यहाँ इन अरहर जैसे ऐसे इस तरफ नहीं बनाते, जैसे एक थाली में पानी तेल लगा के और कढ़ाई में पानी गरम करके उसके ऊपर जैसे डोकला सॉरी जैसे डोकला पकाया जाता है ना, उसको भाप में पकाएंगे। उसके बाद फिर बर्फी की तरह काट के, या जैसे डोकला काटते हैं वैसे काट के, तब उसको फ्राई करेंगे तेल में। फ्राई करने के बाद तब कढ़ी में डालते हैं, ऐसे बनता है मेरे यहाँ। और वहां पे ऐसे बनता है, इसको सीधे डाल के इसको पका लेते हैं इनार को, तब बनाते हैं। तो मैं पहली बार ही बनाई थी, मैं उसके पहले कभी भी ऐसे मतलब इनारा नहीं बनाई थी। जब भी मेरे यहाँ बनता था तो ऐसे ही मैं बनाती थी, उसको भाप में ही पका के बनाती थी। तो आज मैं जब ये दाल पीस रही थी ना, तो मेरे हस्बैंड बोले कि दाल का क्या बनाना है, दही बड़ा बनाया गया क्या? तो मैंने बोला कि नहीं, आज बड़ा बनाऊंगी और उसके साथ कढ़ी बनाऊंगी। तो उसके बाद आप इन अरहर नहीं बताई, मैं इनको जानबूझ के नहीं बताई। तो कुछ देर बाद जब मैं बड़ा बना ली, तो बोले कि इन अरहर भी बना लेना था, इन अरहर भी बना लेती तो सही रहता। तो मैंने उनसे बोला कि हाँ मैं बनाई हूँ, इन अरहर भी बनाई हूँ। तो वही बोले कि अभी तक तो बोल रही कि बस बड़ा ही बनाना है, इनारा नहीं। तो मैंने बोला कि आपसे सरप्राइज रखा था आपको कि नहीं बताऊंगी, देखती हूँ क्या बोलते हैं आप कि नहीं बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं लगभग 6 पीसेस इन अरहर बनाई हूँ, और इसके बाद जो मेरा दाल बचा है उसका मैं बनाऊंगी इन अरहर कढ़ी। और कढ़ाई में मेरा जो तेल बचा है उसको मैं अलग दूसरे कटोरी में निकाल ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें कढ़ी का छौंक लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ जो एक्स्ट्रा तेल था उसको मैं निकाल ले रही हूँ दूसरे कटोरी में, और थोड़ा सा तेल मैं कढ़ाई में ही छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि इसी में मैं कढ़ी फ्राई करूंगी। और यहाँ मैं कढ़ी के लिए घोल तैयार कर ले रही हूँ। और जो मेरा पानी था ना, जो मैं कटोरी में पानी लेके हाथ में लगा रही थी बड़ा बनाते टाइम, वही पानी मैं इस्ट में डाल रही हूँ। उसके बाद जब थोड़ा पानी कम पड़ेगा तो मैं दूसरा भी पानी लूंगी, क्योंकि तो ये फ्रेंड्स उड़द का यहाँ मैं दाल का दही ली कढ़ी है, हूँ, तो और ये दही को बहुत जल्दी जल्दी से से घोल फेट देती गई हूँ, हूँ। और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दे रही हूँ कलर के लिए, जिससे ना कलर अच्छा आए। ऊपर से जो घोल होता है उसी में दही हल्दी डाल देने पे अच्छे से बहुत अच्छा इसका कलर आता है कढ़ी का। तो मैं घोल में ही हल्दी को डाल दे रही हूँ, ऊपर से हल्दी नहीं डालूंगी। और यहाँ मैं फोड़न के लिए तैयार की हूँ, पहले से ही मैं 5 फोड़न ली हूँ, और थोड़ा सा मिर्चा ली हूँ, और थोड़ा मैं जो बड़ी होती है ना वो डाल रही हूँ, उसको भी डालूंगी। अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ लहसुन नहीं डालना है।
प्याज तो डाला था नहीं, लहसुन नहीं डालना है, तो जिससे थोड़ा सा और अच्छा लगे। और यहाँ मैं अच्छे से कढ़ी जो घोल बनाई थी उसको कढ़ाई में डाल दे रही हूँ, और इसको लगातार चलाते हुए पकाना है क्योंकि बीच में छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे चिपक जाता है घोल, जैसे गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो इसको जब तक इसमें उबाल ना आने लगे तब तक ही इसको चलाना है। और नमक अभी नहीं डालूंगी क्योंकि नमक डालने के जैसे कढ़ी जब उबली ना रहे तब इसमें नमक डाल देना तो नमक कढ़ी फट जाती है, ऐसे फटी फटी हो जाती है। तो इसमें अभी नमक नहीं डालूंगी मैं, और नमक जब ये उबलने लगेगी तब डालूंगी। शायद आप लोगों में से सबको ही पता होगा कि नमक कढ़ी में नमक पहले नहीं डालना होता है, फट जाती है कढ़ी। तो मैं भी नहीं डाली हूँ इसमें, लास्ट में डालूंगी इसमें कढ़ी, कढ़ी में नमक। और इसी के साथ जो इन अरहर में बनाई थी ना, थोड़ा थोड़ा अब कढ़ी मेरी जो है उबलने लगी है, हल्का सा, अभी ज्यादा उबाल नहीं आया है, ये थोड़ा थोड़ा ही कढ़ी उबलने लगे ना, उसके बाद इस जो इन अरहर में बना के रखी थी उसको भी मैं डाल दी हूँ अच्छे से, जिससे ये भी अच्छे से पक जाए उसके कढ़ी के साथ ही। और इसको अच्छे से पकाते रहना है क्योंकि नहीं तो उबलेगी ना तो फिर नीचे गिरने लगेगी। तो अभी इसको जब तक अच्छे से इसमें उबाल ना आ जाए तब तक इसको लगातार चलाना है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है मेरे कढ़ी का, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि उड़द दाल की कढ़ी है, एकदम लग रहा है जैसे बेसन की कढ़ी हो। यही होता है ना कि घोल में हल्दी डालने का फायदा यही होता है, घोल डालने के बाद कढ़ाई में बेसन हल्दी डालें तो उसका कलर अलग ही आता है, और घोल में डालने का फायदा ये है कि एकदम पीली आपकी ही कढ़ी रहेगी। और यहाँ मैं अब नमक डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर दे रही हूँ, और 2-3 मिनट के लिए और इसको पकाऊंगी, जिससे नमक भी अच्छे से जो इन अरहर है उसमें भी नमक हो जाए। और यहाँ देखिए मेरी कढ़ी कितना अच्छे से उबाल आ रही है मेरी कढ़ी में। और मेरी जब मम्मी ये बताती, जब मैं खाना बनाती थी ना तो मेरी मम्मी ये बताती, जिसे कभी कभी नमक खाने में, नमक दाल में या सब्जी में किसी में ज्यादा हो जाता, मेरी मम्मी कहती थी कि नमक को हमेशा चूम के डालना चाहिए, क्योंकि बोलना चाहिए कि नमक भैया लाज बचाई है। तो नमक हमेशा चूम के डालने से क्या कहते हैं ना, खाने में कभी नमक ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि नमक को हम भैया बोल दिए हैं तो नमक भैया जैसे राखी बांधना होता है, भैया लाज हमारी रक्षा करना, वैसे ही नमक का होता है कि नमक भैया हमारा लाज बचाया। तो इसलिए मैं हमेशा जब भी नमक डालती हूँ हमेशा चूम के ही नमक डालती हूँ। और यहाँ मेरा खाना बन के तैयार हो गया है, मैं कढ़ी चावल और बड़ा बस बनाई हूँ, रोटी और इसके साथ कुछ भी नहीं बनाई हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और बड़ा भी मेरा एकदम फूल गया है, अभी मतलब आधे घंटे हुए हैं, 30 मिनट हुआ है, 30 या 35 मिनट हुआ है बड़ा बनाए हुए, और एकदम फूल गया है। तो चलिए मैं इसको थाली में निकाल लेती हूँ। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर आप लोगों को मेरा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखते हैं प्लीज आप लोग मेरा भी वीडियो देखिए, सपोर्ट करिए। तो फ्रेंड्स आप सबको कितने लोगों को कढ़ी चावल बड़ा अच्छा लगता है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा मुझे,
और यहाँ मैं खाने को सर्व कर ली हूँ। और यहाँ देखिए मैं जो बड़ा था उसको तोड़ तोड़ के रखी हूँ, क्योंकि मेरे मायके में तोड़ के ही बड़ा रखा जाता था, तो मैं तोड़ के बड़ा हमेशा तोड़ के ही रखती हूँ। और ससुराल में पूरा बड़ा रखा जाता है, तो मैं वैसे नहीं रखती, क्योंकि मम्मी लोग मेरी बोलती हैं कि जे जब कोई खत्म होता है, जब कोई पितर मतलब तेरही में मरनी करनी में होता है ना, तब पूरा बड़ा रखा जाता है। तो मैं इसीलिए मैं बड़े को तोड़ के रखती हूँ। और यहाँ देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना मेरा कढ़ी और चावल उसके साथ बड़ा। तो प्लीज आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज करिए। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ किसी दूसरे वीडियो के साथ।